चलो। लेयर ऑफ बिजनेस करना होगा। आगे तुम लोग स्क्रीन शेयर हुआ कि नहीं? अच्छा, शेयर है सर, शेयर है। दिख रहा ठीक है, तो ये तो खत्म हो गया ना, इसका सारा यही हिसाब किताब था। अब आपको पढ़ा दें दूसरी चीज, लिक्विड बाइलेयर क्या होती है। वैसे लिपिड बाइलेयर के बारे में जानते हैं, मुझे तो वो बताना है जो आप नहीं जानते हो। ठीक है ना। लेट अस डिस्कस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। व्हाट इज द फीचर ऑफ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल? फ्लूइड मोजेक मॉडल सर भाई, तो यही मतलब मॉडल है जो पूरा मतलब यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और सारे जगह पे मतलब वो होता है हाँ, एक्चुअल में यूनिट, ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, यूनिफिकेटेड। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया गया बहुत बाद में आया है ना। तो ये एक्चुअल में दे वर एक्सप्लेनिंग कि सपोज दिस इज द स्किन, है ना, ये स्किन है, हमने यहाँ पे दवा लगा दी, कट लग गया था, हमने दवा लगा दी, तो ये अंदर कैसे आ जाता है? इसका आंसर नहीं मिल रहा था लोगों को, समझ गए भाई? अगर पेराटीन है तो अंदर तो आनी नहीं चाहिए। तो एक गेस कर रहे थे सिंगर निकोलसन, सिंगर निकोलसन के पहले भी वर्कर थे, जो बता रहे थे लिपोसोम के बारे में, ये सारा की फास्फोलिपिड है ना। तो ये गेस कर रहे थे कि देयर इज एक्चुअली ए बाई लेयर ऑफ फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल दैट मूव, है ना, बाय डिफ्यूजन विद इन देयर ओन मोनो लेयर। सो दे वर टेलिंग दैट देयर इज ए सम कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म इन द मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, दैट्स वाई द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल आर हियर। यहाँ पे फॉस्फोलिपिड है, ये क्या है? फॉस्फोलिपिड है, ये करते फॉस्फोलिपिड है, और यहाँ पे वाटर है, समझ गए? यहाँ पे कह रहे थे वाटर है, ऊपर फॉस्फोलिपिड है, ऊपर और नीचे, बीच में कुछ इस तरह का है, राइट? तो इसमें ये कह रहे थे कि फ्लूडिटी का कारण क्या है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो ये कहते कभी ये फ्लूड हो जाएगा, कभी ये सॉलिड हो जाएगा, समटाइम दिस इज फ्लूड, समटाइम दिस बिकम सॉलिड। व्हाट इज द रीजन ऑफ फ्लूडिटी? फ्लूडिटी का रीजन ये है अनसेचुरेटेड प्रेजेंस ऑफ अनसेचुरेटेड लिक्विड, प्रेजेंस ऑफ अनसेचुरेटेड लिक्विड। और जितना ज्यादा सेचुरेशन होगा, राइट, दे विल बी कन्वर्टेड इन टू द अच्छा सॉलिड। ठीक है ना। तो दैट्स व्हाई दे आर सेइंग कि इफ देयर आर हाईली हाई अमाउंट ऑफ अनसैचुरेटेड दे विल बी फ्लूइड एंड मेनी मॉलिक्यूल कैन फ्लोट इनसाइड दिस स्ट्रक्चर, क्योंकि लिपिड है तो फिर सॉरी फ्लूइड है तो एनीथिंग कैन। तो व्हाट दे आर सेइंग कि नॉट ओनली फॉस्फोलिपिड इज देयर बस, बट आल्सो प्रोटीन इज देयर, दैट्स व्हाई दे वर कॉलिंग दिस स्ट्रक्चर एज ए मोजाइक, राइट, बिकॉज यूनिफॉर्म नहीं है, प्रोटीन भी है, और प्रोटीन फ्लोट करता है, प्रोटीन फ्लोट करता है जो फ्लूइड बना है, वाटर नहीं है, ये हल्का सा वाटर है, कह लो, इसमें ज्यादातर लिपिड ही फ्लूइड में कन्वर्ट हो रहा है, लिपिड कन्वर्टेड एज ए फ्लूइड, और इस फ्लूइड में क्या फ्लोट कर रहा है? फ्लोटिंग इज प्रोटीन, आइलैंड टाइप में। हाँ, प्रोटीन फ्लोट कर रहा है। ठीक है ना, इसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है, ये भी नहीं है कि खाली यहीं तक खत्म होगी कहानी, राइट? कार्बोहाइड्रेट होता है। हाँ, दे आल्सो हैव द कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट भी है, तो फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट, तो दीज थ्री स्ट्रक्चर्स आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मेम्ब्रेन मोज़ेक स्ट्रक्चर, प्रोटीन लिपिड कार्बोहाइड्रेट, लिपिड में फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन में ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, एंड इफ प्रोटीन इज अटैच्ड विद लिपिड दे आर कॉल्ड एज
ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं स्ट्रक्चर से। व्हाट इज द फीचर ऑफ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल? देयर इज अ फॉस्फोलिपिड लेयर, राइट, फॉस्फोलिपिड लेयर, एंड दिस इज सरफेस इज व्हाट? हाइड्रोफिलिक, सरफेस इज हाइड्रोफिलिक, ठीक है ना। अरे यार चलो अब ये देखो, अगर हम बात करें तो हाउ मेनी लिपिड्स आर देयर, हाउ मेनी कोलेस्ट्रॉल, हाउ मेनी कार्बोहाइड्रेट आर देयर, हाउ मेनी प्रोटीन्स आर देयर, यू मस्ट नो इट। तो पहला करते हैं फ्रॉम बेसिक नॉलेज, दैट इन 1972 सिंगर एंड निकोलसन वाज द साइंटिस्ट दैट हैज प्रपोज्ड दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड एज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, क्लियर। Now, again the question is, what are the major lipid of the membrane? So you have to remember, phospholipid include various kind of lipid. इसमें पांच तरह के lipid है, इसको कैसे याद करोगे? Phosphyl choline है, phosphyl ethanolamine है, phosphatidyl serine है, sphingomyelin है, phosphatidyl inositol है। पहले तो ये पांच तरह की lipid याद कर लो। कैसे याद करोगे? इसको बना लो, क्योंकि फास्फेटिडिल तो कॉमन है सब में, ठीक है ना। तो सी ई एस एस एम इनोसिटॉल ई, ठीक है ना। तो सेमी सी सेमी ऐसे बना लो, ठीक है ना। फास्फेटिडिल कोलिन, फास्फेटिडिल सेरिन, फास्फेटिडिल इथनोलामिन, फास्फेटिडिल माइलिन एंड स्फिंगोमाइलिन, स्फिंगोमाइलिन फॉस्फेटिल इनोसिटॉल, ठीक है ना। सी सेमी, राइट। एंड देन देयर इज अ ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड मतलब कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड, ग्लाइको मीन शुगर, कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड, एंड देयर आर सम कोलेस्ट्रॉल। तो ये अरेंज कैसे होते हैं ये देख लो, स्फिंगोमाइलिन यहाँ पे मैं रेड यूज करता हूँ, this is sphingomyelin, this is glycolipid structure, right? ये देखो ये अटैच है यहाँ पे फॉस्फेटिल कोलिन, कोलेस्ट्रॉल में थोड़ा जूम करता हूँ। तो यहाँ पे देख लो, दिस आर द डिफरेंट स्ट्रक्चर दैट इज अटैच टू द मेम्ब्रेन, है ना। स्फिंगोमाइलिन कहीं पे है, कहीं पे ग्लाइकोलिपिड है, कहीं पे फॉस्फेटिल कोलिन है, कहीं पे कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल बीच बीच में है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो फॉस्फेटिल इथेनॉलामीन, phosphatidyl inositol, so they are giving the various function to the membrane because of these different variety of lipids. The phospholipid, what is the function? They form bilayer, okay, and they are acting as a barrier to form water soluble substance. What is the role of cholesterol? Cholesterol of hydrophilic head and hydrophobic tails, and they regulate fluidity of the membrane, right, and preventing it from becoming too fluid or too rigid. बहुत ज़्यादा कड़ा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा fluid नहीं, तो mechanical property को maintain करते हैं। They provide stability to the membrane. ये बहुत ही important point है। Stability की बात हुई है अभी भी, right? They are important for mechanical stability of the membrane. Okay? So hydrophobic region, what is the function of hydrophobic region? They prevent any ion or polar molecule from passing through the membrane. For example, myelin sheath. Myelin sheath में cholesterol बढ़ जाएगी, है ना? बढ़ जाने से क्या फायदा होगा कि कोई चीज जल्दी आएगी नहीं, कोई लीकेज नहीं होगी. Leakage of ion can be prevented, ठीक है ना? तो लीकेज होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी. प्रोटीन में कौन कौन सी प्रोटीन होती है? बेसिकली वट एवर द प्रोटीन्स आर देयर, they are basically performing three function. Either they are helpful in transport, or they are acting as the catalyst,
or some other kind of membranes are there, protein are present that are part of the membrane of RNA. For example, mitochondria and chloroplast. And what is the glycoprotein? Glycolipids and glycoprotein. This is the conjugated lipid or conjugated proteins. Okay. So glycosugar is conjugated with lipid. Here sugar is conjugated with protein. Okay. Sometime what happens, the protein and lipid molecules are there, right? And they are having the short carbohydrate chain. This is very important. Now you can take the printout of all these notes. So they are having the short carbohydrate chain. They form hydrogen bond with water molecules and help stabilizing the membrane structure. So what is the basic function of these short carbohydrate chains? They are acting as a receptor molecule, right? And also can bind the hormones or neurotransmitter, as you have seen in the case of nerve impulses, right? Where impulses are passing from one nerve cell to another. So if you'll see, antigen bhi ho sakta hai na, sir. Antigen bhi ho sakta hai. Glycoprotein or glycolipid. हाँ वो तो अलग इसमें अभी तो मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं. तो ये स्ट्रक्चर देखो, मेजर कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखोगे तो व्हाट इज एक्चुअली प्रेजेंट. तो अगर ह्यूमन में देखोगे तो प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड इक्वल कंसंट्रेशन, ठीक है ना. एस्ट्रॉल 90, बाकी कोलेस्ट्रॉल, गैलेक्टोलिविज, प्लाज्मा. माउस लीवर में देखोगे प्रोटीन हाई है. मेज लीफ में प्रोटीन हाई है, ठीक है. ईस्ट में प्रोटीन हाई है, फॉस्फोलिपिड बहुत ही कम है. एस्ट्रॉल तो बैक्टीरिया ईस्ट में बहुत ही कम होते हैं, लोअर ऑर्गेनिज्म में. ई कोलाई में तो देखो बिल्कुल एब्सेंट है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है. एस्ट्रॉल इज टोटली एब्सेंट इन ई कोलाई और बैक्टीरिया, ठीक है ना. ई कोलाई में प्रोटीन सबसे ज्यादा होगा, फॉस्फोलिपिड इज वेरी वेरी लेस. स्टिग्मोस्ट्रॉल कह रहे हैं कोलेस्ट्रॉल एंड स्टिग्मोस्ट्रॉल इज द फीचर ऑफ यूकेरियोट्स मोस्टली. पैरामीशियम में स्टिग्मोस्ट्रॉल डिफरेंट टाइप का एस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल नहीं है. कोलेस्ट्रॉल माउस लीवर में और ह्यूमन में है. साइटोएस्ट्रॉल मेज लीफ में, प्लांट में, ठीक है. एर्गोएस्ट्रॉल फंगस में, ईस्ट में. स्टिग्मोस्ट्रॉल पैरामीशियम, ठीक है ना. बाकी ये अदर लिपिड्स है. ये नोट कर लेना, बैक्टीरिया हैव नो एस्ट्रॉल, ठीक है ना. तो अगर आप देखो तो ये इससे क्या अंदाजा लगा सकते हो, इस ग्राफ को एनालाइज कर सकते हो. कैन एनालाइज, दिस इज द परसेंट कंपोजिशन ऑफ लिपिड इन द मेम्ब्रेन. अब ये देख के बताओ कि सबसे हाईएस्ट किस ऑर्गेनेल में है ये स्फिंगोलिपिड, सबसे हाईएस्ट किस में है, किस ऑर्गेनेल में है स्फिंगोलिपिड. ठीक है, इसका रीजन होगा तभी यहाँ पे जाता है. और दूसरा देखो फॉस्फेटिडिल एथेनॉलामिन, ये सबसे ज्यादा कहाँ है, इनर माइटोकॉन्ड्रिया. इनर माइटोकॉन्ड्रिया ना, आउटर माइटोकॉन्ड्रिया. हाँ माइटोकॉन्ड्रिया में है ये, दोनों आउटर माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में है. माइटोकॉन्ड्रिया में काफी अच्छे से है, न्यूक्लियर में भी है, रफ ईयर में भी है, स्मूथ ईयर में भी है, मतलब लगभग बराबर ही मेंटेन है, ठीक है. अब देखो ब्लू वाला कार्डियोलिपिन, कार्डियोलिपिन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, इनर माइटोकॉन्ड्रिया में ज्यादा है, ठीक है ना. कोलेस्ट्रॉल देखो, कोलेस्ट्रॉल सबसे ज्यादा कहाँ है, प्लाज्मा. इससे आपको एक आइडिया लग गया कि बहुत सारे अब ये देखो एक्चुअल मेम्ब्रेन का मॉडल है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. रिकॉर्डिंग चालू है ना, रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक होती है ना बेटे, है ना, ठीक है. हाँ हाँ रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक कर दिया है, अगर मैं भूल भी जाऊं तो वो चलता रहता है. ओके, सो मस्ट गो ऑन. पहले मैं बहुत बोलता था, तो मैं इस पे काम करता हूँ, जो प्रॉब्लम आए राइट तो उस पे काम करो. राबिता है क्या, राबिता चली गई, नहीं है, नहीं है, कहाँ कहाँ चली गई.
अब ये देखो इसमें क्या देख सकते हो, बड़ा सिंपल है, लिपिड बाइलेयर पर ले स्टार्ट करो, स्टार्ट विद द लिपिड बाइलेयर, राइट। देन व्हाट यू कैन सी, दिस इज द लिपिड, यानी लिपिड है ये ठीक है। अब ये क्या है, ये रेड वाला, ये है इंटीग्रल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन दो तरह के, दो तरह की प्रोटीन होगी, पेरिफेरल प्रोटीन जो कि लिपिड से अटैच है, राइट, दिस इज अटैच विद लिपिड, ठीक है ना, ये अटैच है लिपिड से, ये लिपिड है, ठीक है, एंड दिस इज पेरिफेरल प्रोटीन, दिस इज द इंटीग्रल प्रोटीन। इसी इंटीग्रल प्रोटीन में क्या खास नजर आ रहा है, ग्लाइकोप्रोटीन, चेन ऑफ ओलिगोसैकेराइड, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ ग्लाइकोप्रोटीन। अब ये क्या फंक्शन करेंगे, व्हाट इज द फंक्शन बोलो, रिसेप्टर, हाँ रिसेप्टर, व्हाट इज फंक्शन ग्लाइकोलिपिड, ठीक है ना। तो ये पेरिफेरल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन, ये बीच में स्टेरॉल देख रहे हो, लिपिड के बीच में है जो कि स्टेबिलिटी को मेंटेन कर रहा है। अब ये देख रहे हो ये क्या है ऊपर, ब्लू 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 वाला क्या है, व्हाट इज दिस ब्लू, पोलर हेड क्रिप्स है, ये फास्फेट का पोलर हेड क्रिप्स, ये फास्फोलिपिड है, फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड ने क्या देखो समुद्र की तरह पानी की तरह बना लिया है ना, फ्लूइड, ये फ्लूइड हो गया। दिमाग में रख लो, एकदम अच्छे से सेट कर लो, पढ़ाओगे तभी मजा आएगा, ऑप्शन सॉल्व करोगे क्वेश्चन तभी मजा आएगा। ये फ्लूड हो गया, फ्लूड में ये क्या दिख रहा है, ये छोटा छोटा कौन सा स्टेरॉल है, ये प्रोटीन है सर, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन है, वो कौन से प्रोटीन है, तो स्टेरॉल लग रहा है, स्टेरॉल सर, स्टेरॉल, स्टेरॉल ही लग रहा है, ठीक है ना, ये स्टेरॉल है, साइड में दिखा है ना लिपिड बाइलेयर में, वही अंदर है, वो उनके से ऊपर सर दिख रहे हैं, ठीक है, अभी क्लियर हो गया ना। अब फास्फोलिपिड का फंक्शन पता चल गया, लिपिड अगर मेम्ब्रेन में, हेलो सर, मेम्ब्रेन में अगर स्टेरॉल का कौन मतलब ज्यादा हो गया तो क्या प्रॉब्लम होगा, टफ हो जाएगा, और कम हो गया तो एकदम जीरो, जैसे बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया में वो उल्टा पूछो ना एब्सेंट हो गया तो क्या होगा, हाँ तो तुम इकोलाई के ऊपर पैर रख के चले जाओ, वो स्माइल करता रहेगा, इतना लिक्विड है, राइट, समझ गए, ज्यादा हो जाएगा तो टफ हो जाएगा, लो हो जाएगा तो कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल हमेशा टफनेस को बढ़ाता है, ठीक है ना। ये देखो ये क्या है, ये बता सकते हो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, रिसेप्टर ग्लाइकोप्रोटीन है ना, ग्लाइकोलिपिड, 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 ग्लाइकोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट बेटा है ना, इंटीग्रल प्रोटीन के ऊपर है वो ग्लाइकोलिपिड, बस क्लियर हो गया। अब ये स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, मेम्ब्रेन का एक तरफ का स्ट्रक्चर है, आई हैव शोन यू थ्री स्ट्रक्चर, ए बी सी, तो व्हाट इज दिस, दिस इज सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड अटैच्ड विद ग्लिसरॉल, एंड विद द ग्लिसरॉल देयर इज अ फास्फेट एंड प्रोलीन, दिस मेक्स द हाइड्रोफिलिक हेड एंड दिस इज द हाइड्रोफोबिक टेल, ओके। अब यहाँ पे क्या डिफरेंस है, यहाँ पे फास्फेटिल कोलिन नहीं है, दिस इज द ब्लॉक ही कर देना इसको, है ना, शुगर लगा हुआ है। और थर्ड में क्या शो हो रहा है बताओ, व्हाट यू कैन सी इन द थर्ड, स्टेरॉल है, सिर्फ स्टेरॉइड रिंग ही है और कुछ नहीं, ऊपर तो खाली है, हाइड्रोफिलिक फॉस्फोलिपिड स्टेराइड रिंग के साथ फॉस्फोरस रहेगा ना सर, हाइड्रोफिलिक स्टेराइड रिंग है ना, स्टेराइड के साथ हाइड्रोफिलिक हेड लगा हुआ है और ये हाइड्रोफिलिक टेल है, ठीक है, हाँ
ओके मस्त है आज का लेक्चर, मजा आ रहा है। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर से इंटरेक्ट करेगा ना, हाइड्रोफोबिक मतलब पूरा बीच में लिपिड होगा, ठीक है। लिपिड कैसे हो रहा है, ये टेढ़ा जो होता है उसका मतलब है अनसैचुरेटेड, डांस नहीं कर रहा है वो, माइकल जैक्सन नहीं है अनसैचुरेटेड। ये कैसे कर रहा है, सैचुरेटेड लिपिड, हल्का हल्का पढ़ा रहा हूं ना नॉन पोलर को डांस कर रहा है, नॉन पोलर ये हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक है, बताओ ये पोलर हाइड्रोफोबिक है, देखो फोबिक बोल रही, पोलर हेड है सर, नॉन पोलर लिखा है, नहीं पोलर है, पोलर हेड लिखा है, ठीक है, बाहर है, नॉन पोलर टेल है, नॉन पोलर, ठीक है जी। ओके ओके, तुम लोग सीएसआर का मास्टर बना रहा हूँ यार, मास्टर का एग्जाम होता है वो, इधर पढ़ाई कर करके चैटिंग कर रहा है चमाताला, ओहो इतना डिस्टरबेंस कहाँ से आ रहा है, आजाद आ गया, अरे वाह, यस सर सभी का आया है, वेरी गुड। तो लिपिड टेल हो गई, फास्फेट हेड हो गया, फास्फो लिपिड, ये इसी का डिटेल दिखा रहा है ना, ये इसी का डिटेल है, ठीक है। तो बीच में स्टेरॉल है क्या, स्टेरॉल येलो कलर जैसा है ये वाला, हाँ हाँ, नहीं भाई ये स्टेरॉल थोड़ी है, इंटीग्रल प्रोटीन है, इंटीरियर प्रोटीन, ठीक है ना, इंटीरियर प्रोटीन कह लो, ठीक है ना, इंटीरियर छोटा छोटा क्या है सर, छोटा जो स्टेरॉल होगा, हाँ ये स्टेरॉइड है, स्टेरॉल ये वाला, ठीक है ना, हाँ। ये है कार्बो, ओके ये कार्बो, कार्बोहाइड्रेट, अब समझ आ गया, पोलर हेड को कोलेस्ट्रॉल स्टिफन रीजन मोर फ्लूइड रीजन, ठीक है, जहां पे कोलेस्ट्रॉल होगा वो एरिया बहुत टफ हो जाएगा, तो ये वॉल की लेंथ है, तो कोलेस्ट्रॉल लिपिड इफेक्ट फ्लूटी ऑफ मेम्ब्रेन स्टिफन एंड स्ट्रेंथन, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर में, ठीक है, लो टेम्परेचर प्रिवेंट फ्रॉम फ्रीजिंग, हाई टेम्परेचर में फ्लूइड होने से बचाएगा, ये कोलेस्ट्रॉल का काम है, ठीक है। तो दिस इज इंटेग्रल प्रोटीन, ठीक है, ये अभी समझ में आ गया ये कौन सा प्रोटीन है, दिस इज इंटेग्रल प्रोटीन, इंटेग्रल प्रोटीन में ऐसे लाइन हो जाएगी तो हो जाएगा चैनल प्रोटीन, ये देख रहे हो ऐसे लाइन आ गई ना क्रॉस कर रहा है, चैनल प्रोटीन होगी, तो ये क्या है, ये स्टेरॉल्स, ये वाले, ये रेड स्टेरॉल, हाँ। तो अब हम आ रहे हैं दूसरी तरफ चैनल प्रोटीन, ये क्या है, ब्लू लाइंस फिलामेंट ऑफ साइटोस्केलेटन, ये क्या है, कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, वो कार्बोहाइड्रेट की चेन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ओलिगोसैकेराइड, रिकॉग्निशन रिसेप्टर, देयर आर टू टाइप ऑफ प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन एज वेल एज पेरिफेरल प्रोटीन, क्लियर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सुगर अटैच टू लिपिड, तो समटाइम दिस एक्ट एज ए मार्कर, ये इंपॉर्टेंट है, सुगर अटैच टू लिपिड एंड प्रोटीन कैन एक्ट एज ए सुगर अटैच टू लाइपोप्रोटीन, सुगर प्लस लाइपोप्रोटीन, दे कैन एक्ट एज ए मार्कर, फॉर एग्जाम्पल ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप एंटीजन, ब्लड ग्रुप एंटीजन, सरफेस एंटीजन, सरफेस एंटीजन, अब क्या होगा, सरफेस एंटीजन का, सरफेस एंटीजन मोस्टली कंपोज्ड ऑफ व्हाट, दे कंपोज्ड ऑफ सुगर्स, दे कंपोज्ड ऑफ सुगर मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, अब ये डिफरेंट सुगर होता है तो डिफरेंट ब्लड ग्रुप हो जाता है, डिफरेंट सुगर मेक्स डिफरेंट ब्लड ग्रुप,
ठीक है, सबके ब्लड ग्रुप में व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ सुगर्स, दैट्स व्हाई दिस इज एसेंशियल टू मैच द ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप ने मैच करा रहे हैं, एक्चुअल में शुगर का कंपोजिशन वो एंटीजन का काम कर जाता है, अगर मिसमैच हो गया शुगर, ठीक है ना, अगर शुगर मिसमैच हो गया देन व्हाट विल हैपन, डिफरेंट शुगर एक्ट एज एंटीजन्स अगेंस्ट ईच अदर, ठीक है, दैट्स व्हाई मैचिंग इज एसेंशियल। कैंसर में भी देखोगे तो कैंसर सेल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ शुगर, ठीक है ना, स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट रेसिड्यू आर देयर, सो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग देम एज ए शुगर एज ए मार्कर। यहां पे मार्कर क्या हो गया, शुगर। जब पढ़ाई दिया हमने आपको ग्लाइकोलिपिड फॉस्फोलिपिड सारा हो गया, ये डायग्राम मस्त है डायग्राम को अभी था, हाँ ये हाँ, तो ये याद रखो सबसे पहले बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन पे काम किया था गोटर एंड ग्रैंडेल 1925, ठीक है ना, तो दे एक्सप्लॉइटेड आरबीसी, आरबीसी से उनको ये पता लगा कि एक्चुअल में मेम्ब्रेन का तो ये स्ट्रक्चर है ना, तो फ्रॉम आरबीसी दे एक्सट्रैक्टेड द लिपिड्स एंड दे फाउंड दैट एक्चुअली लिपिड इज इन द लिपिड इज फॉर्मिंग द by layer, so when they broke in the RBC, right, they found that the lipid is present in the double layer, that's why they called this as a lipid bilayer. So lipid bilayer ka concept Singer Nicholson ka nahi tha, lipid bilayer ka concept kiska tha, GG ka, किसका था, जी जी का, गोटर एंड ग्रैंडेल, गोटर एंड ग्रैंडेल, ठीक है। तो एक्चुअल में आरबीसी हैज नो सेल वॉल रादर देन दिस कंटेन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दे आर मैचिंग विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अब इसके मूवमेंट में बहुत सारा क्वेश्चन आता है, फास्फोलिपिड हाउ फास्फोलिपिड कैन मूव, तो फास्फोलिपिड एक्चुअली दे कैन स्पिन अराउंड इन देयर हेड टू टेल एक्सिस एंड देयर लिपिड टेल्स आर वेरी वेरी फ्लेक्सिबल एंड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हाउ दे कैन मूव, दे मूव लैटरली, लैटरली मतलब ऐसे ऐसे, ठीक है, बट द रेट ऑफ मूवमेंट वेरी एंड जनरली स्लोअर in the lipids, very slow in the lipids, depends on the which kind of lipids are there. So phospholipid has a benefit that they can diffuse quickly in the leaflet of bilayer in which they are located, okay, so both lipid and protein can diffuse laterally, a lateral word yaad rakhna, laterally through membrane, ठीक है ना। सो नाउ नेक्स्ट, सम अदर लिपिड में बी अटैच टू द प्रोटीन्स एंड दैट्स व्हाई फॉर एग्जांपल एपिथेलियल सेल हैविंग जीपीआई ग्लाइकोसिल फॉस्फेटिल इनोस्टॉल एंकर टू द प्रोटीन्स, ओके, सो दैट्स व्हाई दे आर हैविंग द स्पेशल फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जीपीआई, दे एक्सक्लूड देम फ्रॉम बेसोलेटरल मेम्ब्रेन, वो एपिथेलियल सेल के फीचर्स हो जाते हैं। पोलराइजेशन में भी बहुत हेल्प करते हैं प्रोटीन्स, ठीक है ना, प्रोटीन हेल्पफुल इन द मेकिंग द मेम्ब्रेन पोलराइज्ड। सो व्हाट इज द फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, ये कॉन्सेप्ट आया कुछ सालों के बाद, एक्चुअल में जो लिपिड और प्रोटीन है, लिपिड एंड प्रोटीन दे आर मूविंग इन फ्लिप फ्लॉप वे। What is flip flop way? Any guess? Pendulum. Okay, pendulum side up and down. Up and down, right? है ना? Actually में ये flip flop ऐसे नहीं करते हैं जैसे कि उन्होंने explain किया था. The flip flop mechanism is because of special enzyme that is called as a flip
फ्लिपेजेस बहुत रोल आ रहा है और ये इम्पोर्टेंट भी है, सर वाले पूछ ही देते हैं क्या किया जाए, तो फ्लिपेजेस आते हैं। मेरा क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे सर, प्रोनाउन प्लास्ट का था। फ्लिपेजेस आल्सो कॉल्ड एज अ फॉस्फोलिपिड ट्रांसलोकेटर, फॉस्फोलिपिड ट्रांसलोकेटर प्लस एटीपी, तो एटीपी भी यूज होती है, फ्लिपेज भी यूज होता है। Then only the flip-flop या lateral movement is possible by the lipid and protein. So flippages are located in various organelle, including endoplasmic reticulum, right? So where they can flip-flop newly synthesized lipid. This is a kind of you can say forming the membrane structure by the flip-flop, by the vertical movement, right? वर्टिकल मूवमेंट करके वो लिपिड और प्रोटीन एडजस्ट करते हैं, मेम्ब्रेन बनाते हैं, बाइलेयर बनाते हैं, तो इसलिए फ्लिप फ्लॉप मैकेनिज्म दिया गया। फ्लिप फ्लॉप मैकेनिज्म बेसिकली व्हाट इज, लिपिड इज फ्लिप फ्लॉप, प्रोटीन नहीं कर रहा है, प्रोसेस ऑफ फ्लिपिंग द लिपिड फ्रॉम वन लीफलेट टू अनदर विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। अभी क्या कह सकते हो, दिस इज मैकेनिज्म ऑफ flipping lipid from one leaflet to another with the help of enzyme, with the help of enzymes, ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना, what is the flip flop mechanism? Mechanism of flipping lipid from one leaflet to another with the help of enzymes. Which is the enzyme? Enzyme flippase with the help of ATP. ठीक है? What is the distribution of lipid? Distribution is not fixed. पहले तो ये याद रखो, scramblase की बात हुई थी ना कल, scramblase की है ना, phosphoryl serine की बात हुई थी, ये वही चीज है। फॉस्फेटिल सेरिन क्या होता है, वो अंदर होता है, तो इनर एंड आउटर लिफलेट ऑफ बाइलेयर डिफर इन देयर लिपिड कंपोजिशन। फॉर एग्जांपल इफ यू आर टेकिंग द ममेलियन सेल, द आउटर लिफलेट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन प्रीडोमिनेंटली व्हाट, पीसी एंड स्फिंगोमाइलिन, ठीक है, वेयर एज पीएस एंड पीआर फाउंड इन द इनर लिफलेट। तो ये ध्यान रखना, बाहर में कौन सा डोमिनेट कर रहा है, पीसी समटाइम स्फिंगोमाइलिन। What is PC? What is PC? And sometime inner में, outer में PC है। और inner में phosphodiesterase choline ना? Phosphoryl choline। और अंदर है PS और PE। और जो इथेनॉल में? Serine। हाँ, तो ये देख रहे हो inner में है phosphoryl serine। ये अंदर बना दिया मैंने फास्फोरिल सेरिन, फास्फोरिल सेरिन, ठीक है, फास्फोरिल सेरिन। अभी जो फास्फोरिल सेरिन अंदर होता है वो बाहर क्या करता है, बाहर कब जाता है, कल यही क्वेश्चन पूछा हमने, डिस्कस किया था, ठीक है ना? तो दे कैन एक्सपोज टू आउटसाइड बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम scramblase, ठीक है ना? scramblase क्या है, ये भी flippase enzyme है, this is a type of flippase enzyme, ठीक है ना? तो PS is negatively charged, unlike PC which has no net charge, PS पे negative charge होता है, and movement of PS into outer leaflet therefore changes the charges of plasma membrane, ठीक है ना? This change in surface charge labels the apoptotic cell for phagocytosis by phagocytic cells such as macrophages. एक defense का भी बहुत बढ़िया part है ये, है ना? कि lipid का distribution change करके the charge distribution change कर रहा है, ठीक है ना? Outer generally neutral है,
ठीक है ना, आउटर जनरली क्या है, वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल है आउटर पोर्शन, लेकिन जैसे ही फ्लिपेज हुआ नाउ इट बिकम चार्ज्ड, ठीक है ना, अंदर चार्ज होता है बाहर न्यूट्रल होता है, लेकिन जैसे कैंसरस सेल है या इसको डेथ करना है, एपोप्टोसिस करनी है, तो ये हिंट कैसे देता है, मेम्ब्रेन चेंजेस द चार्ज ऑफ द आउटर साइड, ठीक है, बाय हेल्प ऑफ फॉस्फेटिडिल सेल। तो स्क्रैम्बलेज क्या करता है, इसको इनर साइड से ले जाता है आउटर साइड, ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। सो लिपिड कंपोजिशन ऑल्सो वेरीज बिटवीन ऑर्गेनेली विद इन यूकैरियोटिक सेल्स। सो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस कहाँ होती है, कोलेस्ट्रॉल इज बेसिकली सिंथेसाइज्ड इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बट नेवर इट स्टोर्स एनी काइंड ऑफ कोलेस्ट्रॉल, रदर देन इमीडिएटली दे आर ट्रांसपोर्टेड टू अदर सेलुलर मेम्ब्रेन, ओके। सो व्हेनेवर देयर इज अ कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल हाई इन द एनी मेम्ब्रेन, देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड, दे इंक्रीजेस सेक्रेटरी पाथवे, अगर किसी मेम्ब्रेन में ज्यादा है तो वहां पर एक्सपेक्ट हो रही वो सेक्रेटरी का फंक्शन जरूर करेगा, फॉर एग्जाम्पल गॉल्गी बॉडी में बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल है, तो दे आर मोर एक्सक्रेटरी, दे आर शोइंग द मोर एक्सक्रेटरी फंक्शन देन द ट्रांस सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। तो ट्रांस गॉल्गी भी बहुत ज्यादा हाई कोलेस्ट्रॉल में है एज कंपेयर टू सिस गॉल्गी, सो दिस इंक्रीज इन कोलेस्ट्रॉल थ्रू द सेक्रेटरी पाथवे रिजल्ट्स इन स्लाइटली थिकर मेम्ब्रेन, तो जहां भी कोलेस्ट्रॉल हो गया, आप पूछ रहे थे ना कोलेस्ट्रॉल की पहचान क्या है, कि कैसे जानेंगे ज्यादा है, तो उसकी मेम्ब्रेन, दैट मेम्ब्रेन विल बी थिकर, राइट, फॉर एग्जांपल इन द लेट गॉल्जी, राइट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मोर थिक देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो ये मैकेनिज्म काम आती है प्रोटीन सॉर्टिंग में भी, ठीक है ना, दे कैन आइडेंटिफाई विच हैव मोर कोलेस्ट्रॉल। अब अगर बात करें प्रोटीन की, तो देर आर टू टाइप ऑफ प्रोटीन्स, अल्फा हेलिसेस एंड बीटा बैरल्स, ठीक है ना। तो जब भी चैनल प्रोटीन की बात करोगे, एक्वापोरिन की बात करें, किसी चीज की बात कर रहे हो जो इस तरह के चैनल बना रहे हैं, है ना, तो ये क्या होंगे, ऑलवेज ऑलवेज बीटा बैरल, ऑलवेज बीटा बैरल, ठीक है ना, ऑलवेज बीटा बैरल, ठीक है। एंड जो अल्फा हेलिकल होगी उसका अदर फंक्शन होगा, ठीक है ना। अल्फा हेलिकल का खास करके कैसे होती है अरेंज, दे आर मेम्ब्रेन स्पैनिंग समटाइम्स, जिसे ऐसे 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 होगी। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, समटाइम दे आर एक्टिंग एज ए रिसेप्टर, समटाइम दे आर एक्टिंग एज ए एंकर प्रोटीन, है ना। तो बहुत सारे इनके फंक्शन प्रोटीन होते हैं, हाइड्रोफोबिक एंकर का काम कर सकते हैं। तो समटाइम दे आर इंटरपासिंग, जैसे 10 टाइम अगर होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम एटीपीएज की बात ले लो, कैल्शियम एटीपीएज में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दिस अल्फा हेलिक्स गोइंग 10 टाइम्स, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, 10 टाइम्स में देर आर 10 हाइड्रोफोबिक स्ट्रेच, 10 हाइड्रोफोबिक पोर्शन आर देयर, एंड इसका डबल होगा अमाइनो एसिड, क्योंकि इनकी लेंथ हो जाती है 2 टाइम्स, यानी 20 रेजिड्यू की अमाइनो एसिड, ठीक है। ये क्लियर हुआ कि नहीं, इसमें कोई डाउट है, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन क्या है, दे आर सेलेक्टिवली परमेबल, इट अलाउ सम सब्सटेंस टू क्रॉस मोर इजिली देन अदर्स। So, phospholipid is the most abundant lipid in the plasma membrane. तो point note कर लो, data है
most abundant lipid in the plasma. They are amphipathic, containing both hydrophobic as well as hydrophilic portion. Protein mosaic ke baare mein bata diya. Membrane basically consists of both protein and lipid. Division denylin sandwich model